वज्रासन का अभ्यास निरंतर करते रहने से हमारा शरीर वज्र के समान कठोर और मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम वज्रासन रखा गया है। इंग्लिश में इसे थंडर बोल्ट पोजीशन भी कहते हैं। जो स्वास्थ्य लाभ हमारे शरीर को 20 मिनट वॉक करके मिलते हैं, वही सारे लाभ अगर आप 5 मिनट वज्रासन में बैठना शुरू कर दें तो आपके शरीर को वही सारे लाभ मिलेंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से करते हैं वज्रासन का अभ्यास, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बहुत से लोगों के लिए वज्रासन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके एंकल्स बहुत स्टिफ होते हैं, घुटने में दर्द होता है, या कि फिर बहुत देर तक वज्रासन नहीं बैठ पाते, या कि वज्रासन करते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं। ये सारी चीज़ें बताऊंगी, साथ ही बताऊंगी किस तरीके से वज्रासन आप तकिए की मदद से या योगा ब्लॉक की मदद से या किसी सपोर्ट से करेंगे, ताकि आपकी आपका जो अभ्यास है वो डेवलप हो, आप ज़्यादा देर तक वज्रासन में बैठ सकें। साथ ही इस आसन को करने के और क्या क्या लाभ हैं और किन लोगों को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, अंत तक देखना है। अगर चैनल में नए आए हैं या वीडियो देखते देखते इतने मगन हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले जानते हैं कि वज्रासन करने के हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ कि आप इस आसन को खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, पेट की सारी मांसपेशियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। क्योंकि आप वज्रासन में बैठे हैं, आपके बॉडी का पॉस्चर जो है वो सही करता है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड समस्याएं आपको जिंदगी में कभी नहीं होंगी, यानी बैक पेन नहीं होगा आपको कभी भी, लोअर बैक पेन की समस्या नहीं होगी। साथ ही शरीर में एक अच्छी उत्साह देखने के लिए आपको मिलेगी, कभी भी आपका माइंड जो है डल और लेजी नहीं होगा, यानी माइंड को अलर्ट और एक्टिव करता है, माइंड को शांत करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इसके अलावा इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके एंकल्स, आपके घुटने, आपके पूरे के पूरे पैर की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होती हैं वज्र के समान। और इस आसन का अभ्यास करने से ना वज्र नाड़ी पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे वज्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। साथ ही वज्रासन का अभ्यास निरंतर करते रहने से आपकी ऊर्जाएं जो हैं ऊर्ध्वगामी होती हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है, जिससे ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरीके से आपके लोअर चक्र से हायर चक्र की तरफ जाने में बहुत मदद मिलती है विदाउट एनी इंटरप्शन। और साथ ही ये बहुत ही बेहतरीन एक मेडिटेटिव पोज पॉस्चर है, इसका अभ्यास मेडिटेशन के दौरान या प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं वज्रासन का अभ्यास किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि अभी पैर में कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, ना करें। घुटनों में कोई ऑपरेशन हुआ है, ना करें। घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ना करें। अगर आपको एंकल में किसी भी तरीके की चोट लगी है तो भी इसका अभ्यास ना करें। आइए अब सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप आप वज्रासन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वज्रासन करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको एंकल्स में दर्द ना हो, घुटनों में दर्द ना हो, तो आपको कुछ वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाएं, बहुत रिलैक्स होकर बैठें। और फिर उसके बाद अपने पैर की उंगलियों को इस तरीके से ऐसे मूव करना शुरू करें, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज़ करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलीज़ करें। फिर उसके बाद अपनी एंकल्स को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर ऐसे मूव करना शुरू करें इस तरीके से। और इसका अभ्यास आपको 1 मिनट तक करना है हर दिन। अब अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको एंकल को ऐसे मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम 10 टाइम्स ऐसे, और फिर घड़ी घूमने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से 10 टाइम्स, ठीक है ना, ऐसे। फिर उसके बाद बहुत से लोगों के घुटनों के आसपास बहुत कड़ापन होता है, तो आप क्या करेंगे कि अपने
पैर के घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे, उंगलियों को ऐसे फंसाएंगे, थाई के नीचे रखेंगे और थाई को चेस्ट की तरफ पुल करेंगे और घुटनों को ऐसे खोलेंगे और फिर उसके बाद बंद कर देंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसका अभ्यास भी आपको 10 times राइट साइड और 10 times लेफ्ट साइड करना है, यानी राइट पैर से 10 times कर लिया और लेफ्ट पैर से ऐसे 10 times कर लिया, सांस छोड़ा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैर को बहुत दूर रखेंगे और फिर उसके बाद ऐसे पैर को खींचेंगे, ऐसे। इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी हैमस्ट्रिंग्स और घुटनों को थोड़ा सा, घुटनों के आसपास की जो कड़ापन है उसको कम करना है। तो अगर आपने ये सारे अभ्यास करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिन में आप वज्रासन में बड़ी आसानी से बैठेंगे। अब फिर उसके अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ना है ऐसे, और फिर उसके बाद टो को बाहर रखना है इस तरीके से। फिर उसके बाद लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ना है इस तरीके से, ऐसे, और दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के रखना है इस तरीके से, हाँ, ऐसे जोड़ के रखना है। और जो पैरों की पोजीशन है पीछे, वो ज़रा ध्यान दीजिए कि आपके घुटने जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हो, ऐसे मिले हुए हो, पैर के बड़े अंगूठे एक दूसरे के साथ हो और एड़ियां ऐसे बाहर की तरफ हो, ऐसे। और फिर उसके बाद उनमें आपको इस तरीके से ऐसे बैठना है और दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रख लेना है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद पोस्चर में कम से कम 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, इस तरीके से बैठें। लेकिन शुरू शुरू में इतनी देर तक बैठना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एंकल बहुत ज़्यादा कड़ापन होता है इनमें, घुटनों में बहुत कड़ापन होता है, थाई की मसल्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होती हैं, कड़ी होती हैं, तो जिसकी वजह से आप वज्रासन में इस तरीके से नहीं बैठ सकते। तो आप शुरू शुरू में क्या करेंगे कि 10 सेकेंड बैठने की कोशिश करें, 30 सेकेंड बैठने की कोशिश करें, फिर कुछ देर के बाद 1 मिनट तक बैठने का अभ्यास करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आपको जूम के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 1 घंटे का समय निकालना है, अपनी योगा मैट बिछानी है और शुरू हो जाना है। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हम हर दिन अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ध्यान करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, अलग अलग तरीके की क्लींजिंग टेक्निक करते हैं, डाइट के बारे में डिस्कशन होता है, साथ ही आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत से आपको टिप्स दिए जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस को कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इंसान जो सांस लेता हो, यानी कि मेल हो चाहे फीमेल, बिगनर्स हो या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, PCOD की समस्या, अपने वेट को लेकर बहुत परेशान हैं, उनको इन क्लासेस से बहुत स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। तो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। आप इन कोर्सेज को परचेज करके अपने घर के ही कम्फर्ट जोन में किसी भी वक्त और कितनी भी बार इन वीडियो के माध्यम से अपने योग का अभ्यास, योग की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस में क्या क्या सिखाया जाएगा, इनमें भी हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान जो है 1 घंटे की सीक्वेंस में वीडियो होती है जिसको आपको चलाना है और अभ्यास करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट शेयर की है, आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। जाइए, जल्दी से चेकआउट कीजिए और शुरू करते हैं। चलिए, अब मैं अलग अलग प्रॉप की मदद से आपको बताती हूँ। मेरे पास सहूलियत के लिए एक छोटा कंबल है, साथ ही एक तकिया है, ये 2 योगा ब्लॉक हैं
और एक ये बॉलस्टर है। इन सभी चीज़ों की मदद से हम सीखेंगे आसानी से वज्रासन करना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठना और अपनी एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी, घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी, थाई की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना और अपना डाइजेशन बेहतर करना। सबसे पहला केस जो कंप्लीट बिगनर है लेकिन कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, थोड़ी हैबिट अच्छी है लेकिन उनकी एंकल में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है, घुटने में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है, ऐसे लोग क्या करेंगे कि अपनी छोटी पिलो ले लें, मतलब कुशन हो या छोटा टावल ले लें, इस तरीके से मैं टावल भी ले सकते हैं, मैंने ये कंबल ले रखा है, ब्लैंकेट ले रखा है, उसको मैंने अपने एंकल के एग्जैक्टली नीचे रखा, ऐसे टो को जोड़ के रखा और एड़ी को बाहर करके रखा है इस तरीके से, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठ गई। अगर यहाँ पे कंफर्टेबल है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करें अपनी प्रैक्टिस को। अगर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है तो एक और टिप आपको देती हूँ मैं। आपने इस तरीके से अपनी तकिया को लिया और तकिया बहुत सॉफ्ट हो, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से उठाया अपने हिप को और फिर उसके बाद अपनी काफ के ऊपर, पिंडलिनी के ऊपर इस तरीके से अपनी तकिया को रखा और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से बैठ गए, घुटना जुड़ा हुआ है और आराम से इस तरीके से जब आप अभ्यास करते हैं तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और इसमें आप कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे बैठ जाएं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ जिसमें हम मानते हैं कि आपके एंकल जो है काफ़ी सख्त है और घुटने में भी हल्का फुल्का दर्द रहता है, तो आप इस तरीके की योगा ब्लॉक ले सकते हैं या कि आपके घर में कोई छोटी स्टूल जैसी चीज़ होगी जो आप किचन या वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं नहाते वक्त, तो मेरे पास ये योगा ब्लॉक है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसको ख़रीदने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, ये योगा ब्लॉक मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो इस तरीके से आपने रखा और अब क्या करेंगे कि ऐसे टेबल टॉप पोजिशन पर आएंगे ऐसे और इस योगा ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे पुश कर देंगे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से और इस पर बैठ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके घुटने तो एक दूसरे के साथ नहीं आ पाएंगे लेकिन आपके घुटनों के अराउंड जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा और इससे क्या होगी, एंकल्स में भी स्टिफनेस जो है वो कड़ापन अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और घुटने में भी कड़ापन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार साइड से देखिए, तो आपने दोनों योगा ब्लॉक को एक के ऊपर एक ऐसे रख लिया और फिर उसके बाद ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए और पुश करेंगे अंदर की तरफ ऐसे और फिर उसके बाद धीरे से दोनों योगा ब्लॉक के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो जिनके घुटनों में अमूमन दर्द रहता है वो भी ऐसे वज्रासन में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और आराम से आप अपने वज्रासन को इंजॉय करें। अब मैं ये योगा ब्लॉक हटा देती हूँ और हम इस तरीके की, आपके घरों में ना ऐसी तकिया होगी, बॉलस्टर होगी, तो आप इसका इस्तेमाल करके भी बहुत आसानी से वज्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक अभ्यास के बाद पैरों को खोल लेना, अच्छी तरीके से टैप कर लेना है और फिर उसके बाद इससे तो आप वज्रासन बहुत आसानी से कर पाएंगे। वापस से टेबल टॉप पोजिशन पर आ जाना है और अपनी तकिया को इस तरीके से आपने पुश किया पीछे की तरफ और फिर अपने घुटनों को मोड़कर आसानी से आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं और इन्जॉय करें। तो इस तरीके से इन प्रॉप्स की मदद से, यानी तकिए की मदद से या योगा ब्लॉक की मदद से या इस गोल तकिए की मदद से आप अपने वज्रासन में बैठने के जो टाइम है, ड्यूरेशन, उसको बढ़ाकर सारे के सारे स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे आप वज्रासन का अभ्यास। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो भी कोशिश की गई आपको स्टेप बाय स्टेप वज्रासन सिखाने की, आप आसानी से सीख गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊं और यूट्यूब पर उसको अपलोड करूं। आशा करती हूँ वीडियो देखते देखते यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर किसी कारण से चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा।
इस वीडियो को भी लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।